महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने परिवार सहित गर्भगृह में पूजा अर्चना कर मंदिर के नियम को तोड़ा है। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में बिना अनुमति दर्शन के लिए गर्भगृह में जाने का दावा किया। इस दौरान उनके साथ उज्जैन जिले के एक बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे। ग्वालियर संभाग की श्योपुर सीट से कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह भगवान शिव के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए दिख रहे हैं। इसे लेकर अब भाजपा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाला फैजल अब हिंदुस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। फैजल ने इंडिया टीवी से कहा, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। मजाक हो रहा था, नशे में था, कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया। खंडवा जिले में छेड़छाड़ पीड़िता को आरोपित के बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इससे वह बुरी तरह झुलस गई थी। इलाज के लिए उसे इंदौर रेफर किया गया था। गले में सूजन की वजह से वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। केंद्र सरकार ने सब्जी फल या खाने की अन्य सामग्री घूम कर बेचने वालों को बड़ी राहत दी है। अब वह खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण में 5 वर्ष के लिए अपना पंजीयन निःशुल्क करा सकेंगे। प्रतिवर्ष 100 रुपए निर्धारित थे, 5 वर्ष का पंजीयन शुल्क 500 रुपए अब उनसे नहीं लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में दल बदल को लेकर एक बड़ा पेंच सागर जिले के बिना विधायक निर्मला सप्रे की वजह से फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सदस्यता से उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया। निर्मला सप्रे चुनावी सभा में सीएम मोहन यादव के समक्ष भाजपा में शामिल हुई थी, लेकिन बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली थी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की आज दिल्ली के होटल में सगाई हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सगाई में दोनों परिवारों के 50 लोग शामिल थे। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने दोनों बेटों की शादी का निमंत्रण लेकर परिवार के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4 लेन में अपग्रेड करने की हरी झंडी दे दी है। 526 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को अपग्रेड करने के लिए केंद्र ने 3,589 करोड़ मंजूर कर दिए हैं। भोपाल वासियों को जल्दी मेट्रो की सुविधा मिलने जा रही है। सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो रेल का संचालन शुरू होगा। हबीबगंज रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर बने स्टील ब्रिज पर ट्रैक बिछना शुरू हो गया है। अगले महीने सिग्नल और बाकी काम पूरे कर लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक एक बार फिर से बड़े स्तर पर आंदोलन करने की योजना बना रहे हैं। नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर शिक्षक नवंबर के पहले सप्ताह में जेल भरो अभियान करने जा रहे हैं। शिक्षक अपने खिलाफ दर्ज FIR को भी वापस लेने की मांग करेंगे।